Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 16, The Magician Sent Me to Space. जादूगर ने मुझे स्पेस में भेजा. Once upon a time, एक बार की बात है, there lived a young princess Sari. एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सैरी. One day, एक दिन she rode on her horse Almond and went in the forest. एक दिन वो अपने घोड़े आलमंड पे बैठती है और जंगल में जाती है. सडनली अचानक से सी सा अ हट, उसने एक झोंपड़ी देखी. सी वेंट इनसाइड एंड सा अ मिस्टीरियस मैन, वो झोंपड़ी के अंदर जाती है और वहाँ एक रहस्यमय आदमी को देखती है. द स्ट्रेंज मैन वॉज बिजी मेकिंग स्कल्पचर विदाउट यूजिंग हिज हैंड. वो अजीब सा जो आदमी था, रहस्यमय आदमी था, वो एक ढांचा बना रहा था बिना अपने हाथों को यूज किए. हिज स्कल्पचर वॉज शेपिंग बाय इटसेल्फ, और उसका ढांचा अपने आप से शेप के अंदर आ रहा था. द स्ट्रेंज मैन वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, और वो अजीब आदमी केवल उस ढांचे के सामने बैठा था. सैरी सा हिज इक्विपमेंट इन द कॉर्नर, सैरी ने उसके इक्विपमेंट को देखा जो कोने में पड़े हुए थे. सी न्यू, वो जानती थी, ही वॉज अ मैजिशियन, कि ये एक जादूगर है. सैरी सेड, सैरी ने कहा, डू अ मैजिक ट्रिक फॉर मी, कि मेरे लिए एक जादुई ट्रिक करो. देखो यहाँ पे जो स्कल्पचर है वो विदाउट हैंड के बन रहा है. द मैजिशियन रिप्लाइड, जादूगर ने उत्तर दिया, आई डू नॉट डू मैजिक ट्रिक, मैं कोई जादुई ट्रिक नहीं करता. लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, आई जस्ट मेक स्कल्पचर, प्लीज डू अ मैजिक ट्रिक, कि मैं तो केवल ढांचे बनाता हूँ. लेकिन लड़की ने कहा, मेरे लिए कोई जादुई ट्रिक करो प्लीज. आई विल गिव यू दिस इन एक्सचेंज फॉर वन ट्रिक, मैं एक ट्रिक के बदले में तुम्हें ये दूंगी. सी टुक आउट अ शाइनिंग नेकलेस, वो एक चमचमाता हुआ नेकलेस निकालती है. द मैजिशियन लुक्ड एट द प्रीटी नेकलेस, जादूगर उस खूबसूरत नेकलेस को देखता है. एंड टू किट, और उसे ले लेता है. ओनली वन ट्रिक, केवल एक ट्रिक ही, सैड, उसने कहा. यस, ठीक है, सैड सैरी एक्साइटेडली, और वो उत्साहित होकर कहती है, ठीक है. लिसन यंग लेडी, कि सुनो लड़की, द ट्रिक विल वर्क फॉर ओनली सम टाइम, ये ट्रिक जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ समय के लिए ही होगी. होल्ड दिस स्टिक इन योर राइट हैंड, इस छड़ी को अपने दाएं हाथ में पकड़ो. एज सून एज यू वॉन्ट टू एंड द मैजिक, और जब तुम जादू को ख़त्म करना चाहो, इट मीन्स कि जब तुम रियलिस्टिक दुनिया के अंदर आना चाहो, जस्ट मूव दिस स्टिक इन द एयर 3 times, केवल इस छड़ी को 3 times हवा में हिला देना. एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल एज बिफोर, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह. यू विल ऑल्सो फॉरगेट एवरीथिंग दैट वुड हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, और तुम वो सारी चीज़ें भूल जाओगी जो उस समय में हुई थी, सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा. इट्स परफेक्टली फाइन विद मी, ये बिल्कुल सही होगा मेरे लिए, रिप्लाइड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने उत्तर दिया. सी हेल्ड द स्टिक टाइटली इन हर राइट हैंड, और उसने छड़ी को मजबूती से अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया. द मैजिशियन स्टार्टेड चैंटिंग अ स्पेल, और जादूगर ने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ वर्डिंग बोलनी, रिसाइटिंग करनी शुरू कर दी उसने. परफेक्ट डन 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 अ स्पेल क्रैक बल्ब डब कम टू मी लिटिल गर्ल रन आउटसाइड सी दिस अर्थ फ्रॉम अबो. एज सुन एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये सारी बातें कही, आलमंड टुक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड लाइक नेवर बिफोर, और आलमंड ने ऊपर हवा की तरफ, वहाँ से ग्राउंड से ऊपर की तरफ हवा में चला जाता है जैसा पहले कभी भी नहीं गया था इतनी स्पीड से. ही रैन इन द एयर, वो हवा में दौड़ने लगता है. सैरी टू वॉज लिफ्टेड इन द एयर वाइल सीटिंग ऑन हर हॉर्स, और सैरी भी क्या हो जाती है, हवा में लिफ्ट हो जाती है क्योंकि वो भी तो घोड़े पे बैठी थी. द मैजिशियन सेड, जादूगर ने कहा, होल्ड ऑन टाइट लिटिल वन, कि इसे मजबूती से पकड़ो छोटी लड़की. सैरी शाउटेड इन कन्फ्यूजन, वट, सैरी अचानक से चिल्लाती है कन्फ्यूज होकर कि क्या. सैरी हिड हर फेस, सैरी अपने चेहरे को छिपा लेती है. वहन सी ओपन हर आई, जब वो अपनी आंखें खोलती है, टू लुक बैक, पीछे की तरफ देखने के लिए, आलमंड एंड सैरी वर जेंटली फ्लोटिंग इन दिस इन द स्पेस, वो क्या कर रहे थे, हवा के अंदर, उस स्पेस के अंदर वो तैर रहे थे, फ्लोट हो रहे थे. वट, क्या, आई कैन सी द अर्थ बीनीथ मी,
मैं धरती को मेरे नीचे देख सकती हूँ, दैट्स वट ही मीन्ट बाई सेइंग सी दिस अर्थ। और वो अपने आप से ही इन शब्दों को बोलती है कि अर्थ को देखो। द फर्स्ट थिंग दे सा इन द स्पेस वॉज द मून। उन्होंने स्पेस में पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज देखी वो था मून। इट इज द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। ये अर्थ के बिल्कुल पास का ऑब्जेक्ट था। दे सेट एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। देन तब दे सा विनस विच इज द सेकेंड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद वो विनस को देखते हैं जो क्या है, सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है। इट वॉज ब्राइट, ये चमकीला था। सी वॉज एंजॉइंग फ्लोटिंग इन द स्पेस एंड लुकड एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो क्या कर रहा था, तैरते हुए आनंद ले रहा था और वो अलग से ही दिखाई दे रहा था। सून सी रियलाइज दैट हर मदर वुड गेट वरीड इफ सी डिड नॉट रिटर्न ऑन टाइम। अचानक से उस राजकुमारी को महसूस होता है, याद आता है, रियलाइज करती है वो कि अगर वो समय से घर नहीं पहुंचेगी तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, चिंतित हो जाएगी। सो सी मूव द स्टिक इन द हेयर एयर थ्री टाइम। इसीलिए वो छड़ी को 3 बार हवा में हिलाती है। एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और अपनी आंखों को ब्लिंक करती है। सी वॉज इन हर पैलेस, और वो अपने महल में पहुंच जाती है। एवरी थिंग बिकम नॉर्मल एज बिफोर, और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सी ऑल्सो फॉरगॉट एवरी थिंग अबाउट द मैजिशियन, और वो उस जादूगर के बारे में सारी चीज़ें भूल जाती है। हिज ट्रिक एंड हर स्पेस एडवेंचर, वो जादू के बारे में, अपनी ट्रिक के बारे में और स्पेस की एडवेंचर के बारे में, इट मीन्स वो सब कुछ भूल जाती है। द स्ट्रेंज मैन वॉज बिजी मेकिंग स्कल्पचर यूजिंग हिज हैंड। क्या जो अजीब आदमी था, स्ट्रेंज मैन वॉज बिजी, वो बिजी था स्कल्पचर बनाने में यूजिंग हिज हैंड, अपने हाथों का यूज करके। नहीं, वो हाथों का यूज नहीं कर रहा था। फॉल्स सैरी न्यू ही वॉज अ डॉक्टर, फॉल्स क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था। वेन सी ओपन्ड हर आइज टू लुक बैक, आलमंड एंड सैरी वर जेंटली फ्लोटिंग इन द स्पेस। ट्रू, सैरी थॉट हर फादर वुड गेट वरीड इफ सी डिड नॉट रिटर्न ऑन टाइम। वो फादर के बारे में नहीं, मदर के बारे में सोचती है, तो फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट वर्ड फ्रॉम द चैप्टर। सैरी सा अ स्ट्रेंज मैन, सैरी सा हिज इक्विपमेंट। नेक्स्ट में है मैजिशियन और फोर्थ में आएगा आपका मून। What was the name of the horse? The name of the horse was Almond. Whom did the prince see in the hut? The princess saw a strange man in the hut. What did Sari and Almond do in the space? They sat and rested for a while. How did the princess come back to the earth? She moved the stick in air 3 times. एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वो एक आंख को ब्लिंक करती है और 3 टाइम छड़ी को घुमाती है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दी गई है, एक आप के लिए की हुई है। आई कांट वेट, आई एम इन अ हरी, कि मैं वेट नहीं कर सकता, मैं जल्दी में हूँ। नेक्स्ट में आपका आएगा इन, फोर्थ में आपका इन, फिफ्थ में ऑन और सिक्स में इन। इसके बाद है आपका बाय, फॉर और विद। इज योर ब्रदर द बॉय विद, इज द एनिमल विद, आई गोट ऑफ एट द रोम स्टॉप बाय, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ रन, कैन यू सेंड मी द बुक बाय, यू कैन गेट टू द म्यूजियम बाय। नेक्स्ट है आपको अन और डिस का यूज करना है और सेंटेंस को बनाना है। नेचुरल, अननेचुरल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एग्री, डिसएग्री, नॉन, अननॉन, मैरिड, अनमैरिड, अपीयर, डिसअपीयर। इसके बाद है एस एल और पी एल का यूज करना है आपको। स्लो, स्लाइड, प्लांट, प्लेन, प्लीज, प्लेयर, स्लीप, प्लक। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे वर्ड के साथ कुछ और नया ऐड करके हमें बताते हैं। लाइक दिस, अगर हनी बोला है तो स्वीट। ड्रेस, ड्रेस के साथ हम क्या लगा सकते हैं, ब्यूटीफुल। आइसक्रीम,
cold, elephant, big, cotton, soft, sister, older, day, sunny, rock, high. ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।